He completed his MD and PhD in Kayatikissa from BHU and presently is working as assistant professor in Panchkam department, IMS PSU. He has vast experience in clinical research in Kayatikissa and Panchkar, especially for arthritis, DIT, skin, and neurological disorders. He has published two books and more than 40 research papers. He has deputed to Ministry of Health, Malaysia, for two years to develop and propagate Ayurved in Malaysia.

डॉक्टर जुनेजा और सभी प्रतिभागी और सभी गण जो की आयुर्वेद से संबंधित हैं और खास करके पंचकर्म विधा में काम कर रहे हैं तो आज के दोनों सेशन के जो पहले लेक्चर हो चुके हैं बहुत ही अच्छे थे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थे काफी कुछ अच्छी बातें बताई गई और मेरा भी इसी कड़ी में ही मेरा भी प्रेजेंटेशन है विरेचन कर्म पे तो जैसा निगम सर ने बताया कि अर्ध चिकित्सा है फिर अरुण गुप्ता सर ने बताया कि वमन कर्म जो है वो पूर्ण चिकित्सा है तो मेरा कहना इसी तरह से विरेचन कर्म सर्व सुलभ और सु... ये भी एक तरह की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है सर्व सुलभ है आप कहीं भी जहां आप थोड़े कंफ्यूज हों वमन कराएं विरेचन कराएं बस्ती कराएं तो आप विरेचन कराएं ऐसा मेरा मानना है और कहना हेलो जी सर जी सर आई वॉन्ट टू शेयर माई स्क्रीन जी सर बिल्कुल शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर ले अलाउ कर दिया आपको कर दिया ओके थैंक यू हाँ तो uh, मेरी आज की जो टॉक है वो है क्लिनिकल एंड साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ विरेचन का एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट आयुर्वेद कौशलम द वेट कॉन्फ्रेंस ऑन पंचकर्मा टू शेयर माय व्यूज ऑन पंचकर्मा विद द लर्नड ऑडियंस Uh, for today, my topic contains four important chapters, or you can say the broad headings where I can discuss about the introduction of Ayurveda, Panchkarma, classical application of Virachankar, various clinical utility of Virachankar, and some scientific exploration, which is still now possible by us for Virachankar. So uh, just a few brief headlines about the introduction to Panchkarma. Just I want. यस बेसिक्स सो फ्रेंड्स मैंने इधर काफ़ी टॉक दिए हैं बाहर भी और मैं मलेशिया में डेपटेशन पे भी रहा आसपास के कंट्री भी गया तो मेडिकल साइंस इज इवॉल्व टू लेसन द सफरिंग्स ऑफ मैन काइंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम समय के साथ जगह के साथ मेडिकल साइंस की प्रायोरिटी बदलती रही है कभी ये आयुर्वेद थी कहीं पर कभी चाइनीज भी रही है चाइना में होम्योपैथी मला एलोपैथिक ऑल सभी मैं मलेशिया में था वहाँ मले मेडिसिन चलती है हालांकि उनके पास बहुत अच्छे टेक्सचुअल रेफरेंसेस नहीं है जैसे हमारे पास एक्सक्यूज मी लेकिन फिर भी हैं चाइना तो वेल डेवलप्ड एक एजुकेशन आयुर्वेद का सिस्टम है मतलब हर्बल मेडिसिन का सो सभी में दे ऑल हैव एबिलिटी ऑफ हीलिंग इसलिए ऐसा सोचना कि हमारा सिस्टम अच्छा है किसी का सिस्टम खराब है एलोपैथिक बहुत अच्छा है आयुर्वेद में ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं है हम कैसे डेवलप करें नहीं ऑल हैव एबिलिटी ऑफ हीलिंग इसीलिए वो डेवलप हुए नहीं तो वो डेवलप ही नहीं होते ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स लिमिटेशंस सभी के अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं कोर मेडिसिन हैं और सभी के अपने अपने लिमिटेशंस हैं कोई एक्यूट में बहुत अच्छा काम करता है कोई क्रॉनिक डिजीज पे बड़ा अच्छा काम करता है तो इसलिए ये सोचना कि कुछ काम करेगा कहाँ काम करेगा वो आप सब अपने अपने बुक्स में है सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं सेकंड इज स्ट्रेंथ ऑफ पंचकम हम सब पंचक्रम की बात कर रहे हैं तो इस पंचक्रम की ऐसी क्या स्ट्रेंथ है, है जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए तो एक तो ये है कि ये यूनिक थेरापेटिक अप्रोच है किसी भी मेडिकल टेस्ट में ऐसा कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता कि आप बॉडी की क्लिनजिंग कर लीजिए आप शरीर को साफ कर लीजिए बायो इफेक्ट डिटॉक्सिफिकेशन कोई एक शब्द पंचकर्म के इक्विवेलेंट मॉडर्न मेडिसिन में नहीं मिलता पंचकर्म अपने आप में ही पूरा है मॉडर्न में कहीं नहीं है कुछ भी नहीं इस तरह से रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड कॉन्सेप्टोशाज हम सब जानते हैं विद द यूज ऑफ ऑयल एज विदल सॉल्वेंट इसको मैं आगे फोकस करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ एंड हेल्थ के लिए भी तरह से प्रिवेंटिव भी है एनुअल मेंटेनेंस केयर के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वमन कराएं विरेचन कराएं बस्ती कराएं साल में एक बार करें फिट रहेंगे प्रोसीजर जो है जो पंचकर्म में बताए गए हैं दे आर वेरी यूनिक दे आर नेचुरल सेफ इफेक्टिव और बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है एक वस्ती कर्मी है जिसमें कि वस्ती नेत्री वस्ती पुटक ने यूज होती यूज होते हैं नहीं तो कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है इसीलिए कॉस्ट भी थेरेपी की बहुत कम है एप्लीकेबलिटी बहुत वाइड है हेल्थी डिजीज रिज्यूनेशन के पर्पज से ड्रग्स जो यूज हो रही हैं वो सब हर्बल हैं सेफ हैं मल्टीपल च्वाइस है तो ये हमारी आ, स्ट्रेंथ है आयुर्वेद में थ्री ट्रीटमेंट अप्रोचेस आप सब जानते हैं निदान परिवर्जन संशोधन एंड संस्म चिकित्सा फिर पंचकम शब्द पांच दो शब्दों से बना है पंच एंड कर्म पंच मीन्स फाइव इट इज ए सेंस ऑफ कंप्लीट टोटल जैसे पंचायत पांच लोगों का ग्रुप पंचायत गांव में बना दिया गया और उसके डिसीजन को पूरा गांव मानता है तो इसीलिए पंच शब्द में अपने आप में कंप्लीट टोटलिटी इंक्लूड है और कम प्रोसीजर्सना है करते हैं और की उत्पत्ति करते हैं। हमारा सिद्धांत है सबसे अच्छा सिद्धांत है जैसे कह सकते हैं कि हमें शाखा से वापस दोषों को कोष्ट में लाना है और निकट के मार्ग से बाहर निकाल देना है वो हम चाहे वमन से कराएं विरेशन से कराएं या बस्ती से कराएं एक चिकित्सा विधि खास करके बताई गई तो कोस्ट से शाखा में गए हमने हाँ दोषों को शाखा से पकड़ा और वापस कोस्ट में लाए और निकट के मार्ग से वमन या विरेचन द्वारा नीचे से निकाल दिया सो दिस इज द यूनिक आप सब जानते हो पूरकम प्रधान कर्न पश्चात कर्म कैसे करना है वमन नस्यम रेशनम वासनम ये स्कीम कैसे फॉलो करते हैं लंघन पाचन स्ने प्रधान कर्न पश्चात कर तो तो ये तो मैंने एक जर्नल ब्रीफ लाइन बताई पंचकन की पंचकम क्या है क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, जिसका अर्थ है रेचन. और ये दोनों के लिए ही प्रयोग होता है वमन और विरेचन दोनों में कई बार आपने देखा होगा लेकिन फिर भी आधोभागनम विरेचनम संज्ञकम करके चरक ने कल्प स्थान में बताया है कि जीआईटी से हम दोषों को निकालते हैं इसी को हम विरेचन कहेंगे और ये किन दोषों के लिए खास करके काम करता है तो पित्त दोष पित्त स्थानगत कफ दोष कफ स्थानगत पित्त दोष पित्तावृत्त वात में और सन्निपाती कंडीशन में आचार्य भेल के अकॉर्डिंग तो जहां-जहां हमको ये स्थितियां दिख रही हैं वहां हम विरेचन का प्रयोग कर सकते हैं सन्निपार्थी कंडीशन में भी आचार्य भेल ने बताया इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन हम सब जानते हैं कि ज्यादातर पित्त प्रकृति या पितृज में इनका प्रयोग करना चाहिए ज्वर पांडु कामला दाह पक्षाघात गुले श्वास आप देख सकते हैं कि सभी बड़ी व्याधियों में विरेचन कर्म को प्रयुक्त करने के लिए युक्त माना गया कंट्रा इंडिकेशन में बाल वृद्ध गर्भिणी दुर्बल अल्पाग्नि छीण पिपाश नौजर मुक्त नाल मदात्य राजक्षमा इनमें कंट्रा इंडिकेटेड किया गया है तो क्लासिफिकेशन ऑफ विरेचन ड्रग्स ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सोचते हैं कि कौन सा यूज करें तो अनुलोमन है है भेदन है रेचन है चार इंपोर्टेंट डिवीजन uh, किए हैं शारंग आचार्य चरक ने मृदु विरेचन सुख विरेचन तीक्षण करके तीन भेद किए हैं अनुलोमन में जो हम औषधि देते हैं जैसे खास करके हरित की है कि इट मूव्स मलास टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स आफ्टर डाइजेशन ब्रेकिंग देयर कंसिस्टेंसी कि जो भोजन भोज भोजन लिया गया है उसको ये पहले डाइजेशन करेगा प्रॉपर फिर मल रूप में तोड़ करके नीचे की तरफ ले जाएगा और विरेचन कराएगा आरग्वद जो है ये स्लिपिंग स्लिप करेगा सेमी डाइजेस्टेड स्टिकी मल को वही कटकी जो है वो बदबद पिंडित मल को तोड़-तोड़ करके नीचे की तरफ ले जाएगा और रेचन औषधि त्रिवर्ति जो है ये inhibit the digested मल और दोसा by keeping them watery ये पानी का Uh, मात्रा बढ़ा करके सर्ज करके और एक तरह से लूज स्टूल कराएगा रेचन में तो हम लोग सबसे ज्यादा रेचन या त्रिवृत्त का ही प्रयोग को सर्वश्रेष्ठ विरेचक औषधि कहा है और इसकी एक अच्छी मात्रा प्रमाण में देने को बताया है फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि एक जगह और एक चीज आती है कि विरेचन एंड वृक्ष विरेचन तो ये क्या चीजें हैं तो द ड्रग्स यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और द प्रिपरेशन कंटेनिंग स्निग्ध विरेचन जो विरेचक औषधि खुद में ऑयल है या जिनका स्नेह पाक किया गया है या व्यक्ति को स्निग्ध करके दिया जा रहा है तो वो स्नेह विरेचन कहलाएगा और इसमें आचार्यों ने कहा है कि जो ऑलरेडी स्निग्ध हैं बहुत पेशेंट उनको अति स्निग्ध हो जाएगा इसलिए स्नेह विरेचन नहीं देना चाहिए और स्निग्ध विरेचन किनको देना चाहिए पक्षाघात कुष्ठ प्रमेय में और बीसी तरह की व्याधियों में वही वृक्ष विरेचन के लिए कहा गया कि ड्रग्स विच डू नॉट कंटेन स्नेह इज नोन एज वृक्ष विरेचन अभिया मोदला चूर्ण दंती चूर्ण आदि जो हैं, ये है ये ज्यादा अच्छा है विसर, पांडु, कामला इत्यादि में। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे कौन सा प्रयोग करना है ये आचार्य ने चॉइस बताई है फिर बात आती है कि डोज कैसे डिसाइड करें डोज ऑफ विरेचन औषधि की तो जैसे मैंने बताया कि आचार्य अच्छा चरक ने तो एक अच्छे प्रमाण में बता दिया है त्रिवर्त त्रिवर्त के लिए कल्क की मात्रा तो, बी इन सच अ तो शोधन तो कि जो डिजायर्ड इफेक्ट है शोधन का वो मिले और कोई भी कॉम्प्लिकेशन अयोग अतियोग ना हो बट इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स ऑफ अयोग एंड ये एक बड़ा ही वॉक डिस्क्रिप्शन है जो कि एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कि कितनी मात्रा में दें जैसे अभी डॉक्टर अरुण गुप्ता ने भी बता रहे थे कि मदन फल की कितने टेस्टिंग उन्होंने की कितनी तरह की मात्राएं प्रयोग की कभी अतियोग हो रहा है कभी अयोग हो रहा है ना, कितने सारे कंडू के पेशेंट हो गए मेरे साथ भी ऐसे होता है तो लेकिन धीरे धीरे ये सेटिंग बनती जाती है कि कौन सी मात्रा है जो की रोगी के अनुसार श्रेष्ठ होगी तो टू डिसाइडेड अकॉर्डिंग अग्नि तो कोष नेचर ऑफ औषधि एक दो तीन तोले की मात्रा बताई गई है मृदु मध्यम और क्रूर कोष्ट के लिए कोष्ट की डिसाइजन आप करेंगे ही स्नेह पान के लिए तो उसी आधार पर आप इसकी भी मात्रा उसी समय डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी मात्रा देनी है अकॉर्डिंग टू दोष प्रधानता कफ प्रधान पित्त प्रधान और वात प्रधान अगर आप दोष भी एनालाइज कर रहे हैं अपने पेशेंट में तो त्रिफलाकवाद गोमूत्र त्रिकोटू से कराएं आप कफ प्रधान में पित्त प्रधान जो रोगी हैं उनमें त्रिव्रत चूर्ण से और वाद प्रधान वाले में त्रिव्रत सैंधव सुंठी कांजी और मांसरस के साथ फिर अब विदेशन क्रम से पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं है ये जाहिर है कि आप पंचकम कराएंगे तो पंचकम सैनिटोरियम पंचकम हॉस्पिटल पंचकम के तो सबसे फेमस है तो ऐसा एक वेल इक्विप्ड फुल पंचकम सैनिटोरियम इज फुलटोरियम एंड इज डिस्क्राइब इन अध्याय संहिता में बहुत अच्छे से बताया या आप आजकल मॉडर्न का कोई भी केरल रिसोर्ट केरली पंचकम का रिसोर्ट या हॉस्पिटल देख लें तो एक एक अच्छा पंचकम का सेंटर होता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बड़े अच्छे रन कर रहे हैं इसको रोगी रोग परीक्षा जरूर कर लें बिफोर द uh, और खास स्पेशली का अष्टवेद दशवेद त्रिवेद चतुर्वेद हर तरह से एग्जामिनेशन कर लें पेशेंट को अपने योग्य या काउंसलिंग कर लें उसकी क्योंकि पंचकर्म एक तरह के ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि बहुत uh, समाज में प्रचलित नहीं है तो रोगी को निश्चित रूप से आपको कन्विंस करना पड़ेगा ऑल नेसेसरी ड्रग्स शुड बी कलेक्टेड वेल इन एडवांस फॉर वेरिएशन एंड टू ट्रीट एड इन कॉम्प्लिकेशन क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होंगे तो आप लेने तुरंत नहीं जाएंगे बहुत मौका नहीं देते हैं इसलिए जैसे डॉक्टर अरुण गुप्ता जी भी कह रहे थे कि कई बार रक्त चंद्रिका दिखती है तो प्रवाल पिस्टी तुरंत देनी है तुरंत देनी है कई बार हम लोग भी हम लोग थोड़ा सा कभी कभी मॉडर्न यूज कर लेते हैं कि इंजेक्शन देना पड़ गया या कोई एंटी एलर्जिक अगर कभी कोई सेवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया मदन फल से बहुत ज्यादा होते हैं या विरेचन की कभी कभी औषधि कोई भी कभी करती है रेयरली तो इस तरह की औषधियाँ जरूर आपके पास रहनी चाहिए ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट शुड बी लाइक बेड जरूर होने चाहिए पल्स बीपी रेस्पिरेटरी रेट और अदर वाइटल्स पहले हम लोग जरूर एक्सरे ईसीजी वगैरह करके देख लेंगे सारी कंडीशंस ठीक हैं पेशेंट की शुड बी मॉनिटर्ड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर पूर्वकर्म पूर्वकर्म विरेचन एज ए प्रोसीजर आफ्टर वमन कर एंड विरेचन विदाउट वमन कर हम दोनों तरह से करते हैं कि विरेचन वमन के बाद भी कराते हैं और विरेचन बिना वमन कराए एज ए इंडिविजुअल प्रोसीजर भी कराते हैं

सम्यक स्निग्धता के लक्षण आ गए सम्यक स्वेदन भी करा लिया अब हम सम्यक स्नेपान और स्वेदन लक्षण देखने के बाद उसको एक दिन पहले रात में कृत यूष खड आदि देते हैं जिससे कि पित्त प्रकोप हो पित्त बढ़े थोड़ा और आज फॉर गुड स्लीप अच्छी नींद लेनी बहुत जरूरी है डॉक्टर अरुण गुप्ता ने अच्छा रेफरेंस दिया है कि ये जरूर देखिए कि गुड स्लीप होनी चाहिए ड्यूरिंग द ऑस्पियस डे मुहूर्त और सभी रिचुअल्स फॉलो करके एक अच्छे दिन मुहूर्त पे काम करें ऑन सुबह कुछ त्रिवर्त ले, हम एक केरल की औषधि है उससे देते हैं या एक त्रिवृत्यादि चूर्ण हम लोगों का अपना बी एचाम बनाते हैं उसको देते हैं तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा देना है और आचार्य बाघ भट में कहा है कि श्लेष्म काले गते कि जब श्लेष्मा काल बीत जाए तब आपको विरेचन औषधि देनी है तो ये यूजुअली आफ्टर टेन ए है सुबह दस बजे के बाद आप दीजिएगा एडवाइस फॉर कोल्ड वाटर स्प्रिंकल ऑन फेस गार्गल ऑफ एंड ऑफ हॉट वाटर एंड नो डायरेक्ट विंड पंखा वगैरह ना चलाएं एक निवात स्थान में बैठना है और रोगी को बेड पर रेस्ट करना है औषधि जीर्ण के लक्षण देखने हैं वातानुलोमन स्वास्थ्य की अनुभूति क्षुदा तृष्णा जु... ऊर्ज मानसविता इंद्री लगता और उद्गार शुद्धि ये लक्षण अगर आपको इसका मतलब औषधि के लक्षण तो का अजीर्ण हो रहा है आप जानते हैं कि वैक की मानकी आंतकी और लैंगिकी के द्वारा हम लोग इसकी परीक्षा करते हैं तीस बीस दस वेग आचार्यों ने बताए बीस से तीस दस से बीस और एक से दस इस तरह से हम लोग बीच में रखते हैं चार तीन दो प्रस्त इनकी मानकी है कफान सभी में है कफान सबसे अच्छा माना जाता है और लैंगिकी में सिक्वेंशियल एक्सपल्सन ऑफ विट पित्त कफ एंड वात हम देखते हैं स्रोतों शुद्धि होनी चाहिए इंद्रिय प्रसाद लघुता अग्नि अग्निवृद्धि वातानुलोमन और अब्सेंस ऑफ अयोग एवं के लक्षण अगर मिल रहे हैं तो ये लैंगिकी शुद्धि मानी जाती है <laughs> कॉम्प्लिकेशन ये दस कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं आत्मान परिकृति का जो मिल जाए अगर आपको तो इनके जरूर पहले आप इनको ट्रीट जरूर करिएगा पश्चात कर पश्चात में पहले से सातवें दिन तक मॉर्निंग और इवनिंग दो डाइट्स बताई गई हैं लेकिन आजकल का रोगी दो डाइट पर चल नहीं पाता है ना वो पेय बहुत पी पाएगा ना यूश बहुत खा पाएगा ले पाएगा तो आप आहार डाइट हम लोग देते हैं मॉर्निंग लंच एंड इवनिंग और इसी को कंसाइज करके तीन दिन पांच दिन में खत्म कर लेते हैं और आप जहां तक इसको देखेंगे संसर्जन कर्म को तो संसर्जन कर्म बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है आप ये देखिए कि क्या है डाइट्स हैं पहली डाइट पेया है और विलेपी है पेया और विलेपी जो है ये राइस की बनती है चावल की जो की एक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है आसान है डाइजेशन में तुरंत एनर्जी देती है दूसरी डाइट है इनकी यूश कृतकृत यूश जो है वो दालों से बनता है दालें प्रोटीन में रिच होती हैं सेकेंड डाइट इनकी प्रोटीन रिच है तीसरी डाइट आप देखिए इनकी है मांस रस और अगर मांस रस नहीं खाता है तो खिचड़ी मांस रस मांस नहीं उसका रस देना है मींस मीट जूस सूप सूप में प्रोटीन कम आता है और फैट ज्यादा आता है जो मांस का फैट पार्ट होता है वो ज्यादा आता है और फैट पार्ट फैट डाइजेशन में सबसे हैवी होते हैं और वाद शामक भी होते हैं अच्छे तो पेया पेयूष और मांसरस एक कार्बोहाइड्रेट रिच है एक प्रोटीन रिच है और एक फैट रिच है बढ़िया तो कई बार इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन लेट अराइज होते हैं तो ये मैंने बताया कि जनरल एक विरेचन कर्म हम लोग कैसे प्लान करते हैं और कैसे कराते हैं तमाम क्लिनिकल हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं ज्यादातर व्याधि मैंने बताया कि इनको किया जा सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन और ये जो बाइल है उसका मैक्सिमम नाइनटी टू नाइनटी टू परसेंट जो है वो रीअपटेक हो जाता है तो अगर हम कामला के पेशेंट को विरेचन कराते हैं तो ये रीअपटेक होने से पहले ही इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाता है तो एक एब्रप्ट चेंज आता है सिरम बेलोर में

इसी तरह से तमक स्वास्थ्य के केसेस में भी हम लोग एक्यूट फेज में तो जैसे बताया गया कि एमएसएस या वमन कराना चाहिए लेकिन क्रॉनिक फेज में तो जरूर एक मृदु विरेचक औषधि देने से काम चलता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट भी देता है पक्षाघात में भी विरेचन कराया गया है मैंने बहुत से मधुमेह के पेशेंट में मैं अपने कराता हूँ विरेचन तो वैरायटी ऑफ केसेस में आप विरेचन करा सकते हैं और इससे कोई बहुत ही बड़े साइड इफेक्ट्स भी नहीं है बड़े अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं तो क्लिनिकल यूटिलिटी तो हम सभी परिचित हैं।, हैं किस लाइन पे हम काम कर रहे हैं मैं, सा... मैं में करूंगा। कि जैसा कि थीम आप जानते हैं पंचकम की, की तीन मेजर साइट्स तीन हैं जहां पर पंचकम की चिकित्सा काम कर रही है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर जी में कफ दोष के लिए मिडिल जी को पित्त दोष और लोअर जी के लिए वाद दोष के लिए

बॉडी uh, है या कहीं भी दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज घुलती है मिलती है है ना तो दो तरह के सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट में बेस्ट है वाटर तो जितने भी ऑर्गेनिक होता है तो जितने भी इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज हैं ये सब पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है यूरिया अमोनिया यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट ये पानी में घुलते हैं और पेशाब से निकल जाते हैं हम पानी क्यों पीते हैं हम पानी इसीलिए पीते हैं कि हम पेशाब कर सकें और पेशाब में क्या जाता है तो यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया ये सब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं वाटर सोल्यबल ये आसानी से निकल जाते हैं किसी किडनी फेल्योर के पेशेंट को देखिए दो दिन चार दिन या एक दिन दो दिन उसकी यूरिन ढंग से ना हो बॉडी देखिए कितनी टॉक्सिक हो जाती है उसकी वॉक वो, वॉमिटिंग नोजिया जीडिनस सब भी आ जाता है तो इट्टी टॉक्सिसिटी एक यूरिन ना होने से तो जितनी भी इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज हैं वो सब पोलर सॉल्वेंट में यानी कि वाटर वाटर में होती हैं सो वी ड्रिंक एंड मेक सिमिलरली हमारे आचार्यों ने क्या यूनिक चीज ढूंढी उन्होंने कहा अगर आपको ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज हटानी है तो ड्रिंक ऑयल एंड डिफिक एंड मेक डायरिया तेल पीजिए और लैटरिन करिए आप पानी पीजिए पेशाब करिए पानी पीजिए पेशाब करिए तो चल रहा है लेकिन तेल पीजिए और लैटरिन कीजिए या उल्टी कीजिए वॉमिटिंग भी है वमन भी इफेक्टिव है तो या तो वोमिट करिए या लूज मोशन करिए तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो खास करके ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज ये सब ऑयल में डिजोल्व हो जाती है इसके बाद एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है इंटेस्टाइन के अंदर एक लो प्रेशर जोन बनता है एक्सेसिव डायरिया uh, की वजह से या एक्सेसिव पल्सेटाइल प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की वजह से और जितने भी सिस्टम में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं वो खिंच के ल्यूमेन में आ जाते हैं और वो फिर वमन और विरेचन के साथ बाहर निकल जाते हैं इसमें हम लोग काम कर रहे हैं जीआईटी प्रेशर वेरिएशंस भी देखे गए कि ईसोफेगस का प्रेशर जो है लेस देन एटमोस्फेयरिक है वाइल्ड कोलोन का प्रेशर लेस देन एटमोस्फेयरिक है इसकी यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा है हमारे पंचकम के प्रोसीजर्स में इसके बाद में अपने जो भी और यहाँ भी मैं कभी लेमैन या और भी लोगों को जब मैं एक टॉक देता हूँ तो मैं बताता हूँ कि देखिए हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं ये एक बड़ा ही ले है आ, कि टेक्निक को क्या हम जो डर्टी कपड़े रहते हैं हमारे गंदे कपड़े उनको वॉशिंग मशीन से धोने के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं क्या ऐसा कि अगर हम पंचकम की औषधि दे रहे हैं वमन और विरेचन की और एक तरफ हम गंदे कपड़ों को एक वॉशिंग मशीन में डाल के धो रहे हैं तो क्या दोनों एक जैसे हैं तो इसमें आचार्य चरक का एक बड़ा अच्छा भी है सिद्धि में मतलब जिस तरह से गंदे कपड़ों को द्वारा मल को फुलाया जाता है और फिर पानी के साथ के निकाला जाता है इसी तरह से स्नेह स्वेद के द्वारा शरीर से भी मलों को निकाला जाता है बहुत बढ़िया ऐसे क्या हम क्यों जैसे कि गंदे कपड़ों को डालने के बाद आप एक एक वो लिक्विड डिटर्जेंट डालते हैं और इसी तरफ हम आपको स्नेहपान करा रहे हैं फाइट डाइट दे रहे हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा फैट्स आर आर सोप्स ऑफ फैटी एसिड्स जो सोप होते हैं ये भी फैट से ही बनते हैं इसके बाद आप देखिए वॉशिंग मशीन में ज्यादा अच्छा कपड़ा धोने के लिए आप पाउंडिंग और हीट देते हैं जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी अच्छी सफाई होगी हम भी अपने पेशेंट की सिकाई कर रहे हैं यहाँ पे मसाज हो रही है कपड़ों की थम्पिंग मूवमेंट हो रहे हैं

आयुर्वेद ड्रग्स एंड थे बायोफिजिक्स ये कंक्लूजन है मेरा यहाँ पर, कि पंचकम थे तो, तो ये सारी चीजें क्लासिकली बताई गई है समय है इनको प्रूव करने का पब्लिक तो हमको हाथों तो हाथ लेगी डॉक्टर अरुण गुप्ता या निगम सर ने इतनी मेहनत की है कुछ कुछ करके आज कितने पेशेंट हो गए तो अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक और थोड़ा सा इसको एक्सपीरियंस बेस्ड बनाएंगे तो निश्चित रूप से मरीज बढ़ेंगे और काम अच्छा होगा इट इज एडवाइस फॉर प्रॉपर शोधन बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिकेशन फ्रॉम आयुर्वेदा तो पंचकम का प्रयोग जरूर करना चाहिए खास करके वमन विरेचन वस्ती का और इसके हमको इफेक्ट uh, दिखते भी हैं क्लिनिकली सो थैंक यू वेरी मच ऑल इट्स लेट बट आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर डॉक्टर श्रीवास्तव सर थैंक यू सो मच आज आप बीमार थे स्टिल यू आर गिविंग थैंक यू सो मच इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव सर एक दीपक स्वामी जी हमारे व्यूअर है उनका एक mm क्वेश्चन -hmm. है आपसे स्नेह भावित जो पेशेंट होता है तो सर उसको हम रुक्ष विरेचन दे सकते हैं ना हाँ रुक्ष विरेचन देने कोई कहा है जी सर थैंक यू हाँ। सो मच टेक केयर सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर लोकेश सर से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं थैंक यू डॉक्टर श्वेता मैं आज के सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटिंग टीम के डॉक्टर जिनिश कुमार जैन सर से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को अंतिम चरण पे ले आते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हो डॉक्टर जैन सर जैन सर मेरी आवाज आ रही है आज बहुत ही गर्भित और उपयोगी सेशन मैंने तीनों सुने वैसे मैं प्रॉब्लम में था लेकिन आ, उठने की इच्छा नहीं हुई और मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया था इक्कीस तारीख को इसलिए थोड़ा सा अव्यवस्थ था मैंने पहली बार बहुत समय बाद निगम जी से पढ़ा निगम जी ने मुझे पढ़ाया और एक एक चीज मैंने समझी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय निगम सर को जिन्होंने बस्ती के बारे में बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया आदरणीय गुप्ता जी अरुण कुमार गुप्ता जी चौधरी ब्रह्म से हैं उन्होंने भी भवन के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया बहुत ही बढ़िया डाटा दिए बहुत आज सुनकर देखकर अच्छा भी लगा और हम निश्चित रूप से एक आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद विचन कर्म के बारे में आपने उपयोगी व्याख्यान दिए पूरी जो हमारी आयुर्वेद टीचर्स का जो पूरी टीम है ऑर्गेनाइज करने वाली हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विजय डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी डॉक्टर लोकेश जी डॉक्टर कौनगो डॉक्टर श्वेता अग्रवाल और जो तमाम जिनको मैं परिचित हूँ और ना अपरिचित हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस जिनने भी जिन, जितने लोगों ने भी इसमें सहभागिता की है वो सभी सभी वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं पुनः आयोजकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस उपयोगी जानकारी से आप स्वयं एवं रोगियों को लाभान्वित करेंगे धन्यवाद